पहले हम मोमोज के लिए आटा लगाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा आटा और आधा मैदा लिया है। आप चाहें तो खाली आटा या खाली मैदा भी ले सकते हैं, जिसमें नमक और मैंने एक चम्मच तेल डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और अब पानी के साथ इसे सख्त डो हम इसका लगा लेंगे। अब इसको कवर करके रेस्ट करने देंगे। अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं, इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल गरम किया है, जिसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और थोड़ी सी कैरेट और कैप्सिकम डाल के इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम फुली रखनी है। यहाँ पे मैंने कैबेज को बहुत बारीक करके इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे नमक और गर्म मसाला या फिर ब्लैक पेपर पाउडर आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से सॉटे कर लीजिए। अब जो हमने आटा लगाया था उसमें हमने बराबर भागों में बांट लिया है और इसकी एक पतली पूरी बेल के तैयार कर लिया। अब इसमें स्टफिंग रखेंगे और इसको आपस में बाइंड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी हमारे मोमोज बनने वाले हैं। इसी तरह से अपने सभी मोमोज हम तैयार कर लेंगे। अब हमने इसे स्टीमर में रख दिया है स्टीम करने के लिए। 5 मिनट में ही हमारे मोमोज बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाएंगे। बहुत ही माउथ वॉटरिंग है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।